टी20 वर्ल्ड कप 2021 में घमासान मचाने वाले पाकिस्तान के घातक खिलाड़ी ने लिया अचानक क्रिकेट जगत से संन्यास। जी हाँ दोस्तों, कौन है ये खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान मोहम्मद हाफिज ने संन्यास लेने का फैसला किया है। वे 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक रूप से रिटायर हो जाएंगे। मोहम्मद हाफिज का इंटरनेशनल करियर 18 साल तक चला और इस दौरान तीनों फॉर्मेट में उन्होंने काफी कामयाबी हासिल की। वे पाकिस्तान के सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। इंटरनेशनल स्टेज पर उनका आखिरी टूर्नामेंट 2021 टी20 वर्ल्ड कप था। इसमें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में वे आखिरी बार उतरे थे। हालांकि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते रहेंगे और दुनिया भर की टी20 लीग्स का भी हिस्सा बनेंगे। हाफिज ने टेस्ट क्रिकेट से तो दिसंबर 2018 में ही संन्यास ले लिया था। वहीं 2019 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे फॉर्मेट में सेलेक्टर्स ने उनके चयन से दूरी बना ली थी। इसके बाद से वे केवल टी20 फॉर्मेट के लिए ही टीम में चुने जाने के दावेदार थे। इसके चलते ही हाफिज ने कहा था कि 2020 का टी20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा, मगर कोरोना के चलते यह वर्ल्ड कप 2021 तक आगे बढ़ गया। ऐसे में हाफिज का समय भी बढ़ गया। उन्होंने अप्रैल 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मुकाबले से इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी। इसके बाद अगस्त 2003 में टेस्ट डेब्यू और अगस्त 2006 में टी20 डेब्यू किया था। मोहम्मद हाफिज ने दिसंबर 2018 में आखिरी टेस्ट, जुलाई 2019 में आखिरी वनडे और नवंबर 2021 में आखिरी टी20 खेला था। वे 2021 टी20 वर्ल्ड कप की पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। 41 साल के हाफिज ने 218 वनडे में 11 शतकों की मदद से 6614 रन बनाए और 139 विकेट लिए। वहीं 55 टेस्ट में 10 शतक से 3652 रन बनाने के साथ ही 53 विकेट भी लिए हैं। 119 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 2514 रन बनाए और 61 विकेट भी लिए। बैटिंग के साथ ही बॉलिंग में भी हाफिज उपयोगी थे। उन्होंने कई बार बॉलिंग में भी पारी की शुरुआत की है, साथ ही उनकी फील्डिंग भी कमाल की है। मोहम्मद हाफिज ने अपने करियर में 32 प्लेयर ऑफ द मैच जीते हैं। इस मामले में पाकिस्तान खिलाड़ियों में उनसे आगे केवल शाहिद अफरीदी ने 43, वसीम अकरम ने 39 और इल्जमाम मुलक 33 बार ऐसा कर पाए हैं। हाफिज 9 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त रूप से इमरान खान, इंजमाम और वकार यूनुस के साथ टॉप पर हैं। मोहम्मद हाफिज इकलौते पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2007 से लेकर 2021 तक केवल एक टी20 वर्ल्ड कप को छोड़कर बाकी सभी खेले हैं। इस दौरान 2009 में वे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। साथ ही उनकी कप्तानी में 2012 में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। उन्होंने टी20 फॉर्मेट में 29 मैचों में कप्तानी की थी और 18 में जीत भी हासिल हुई। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।